दलालों की दलाली नहीं चलेगी, दलालों की दलाली नहीं चलेगी। हमारी मांग पूरी करो, काम हार करो, बेईमानों को बाहर करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारा वेतन क्यों नहीं दिया? चेयरमैन जवाब दो, जवाब दो। अब चिड़ावा में भी उपलब्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं, जयपुर के नव इंपीरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा, जहां आपको मिलेगी 3D तकनीक द्वारा घुटनों की सर्जरी और मोटापे से परेशान पेशेंट्स के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएं। विख्यात जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता एवं सिग्नल टाइम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं पंकज, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ। दोस्तों चिड़ावा शहर के अंदर 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव तो समापन हो चुका है। वो जो महोत्सव था, वो मेला था, वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक मेला आज और लग चुका है नगर पालिका के बिल्कुल सामने। बिल्कुल सफाई कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ सफाई कर्मी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है और क्या इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। क्या आश्वासन अभी तक मिल चुका, वार्तालाप हो रही है अंदर ईओ साहब के साथ, आपको क्या समस्या आ रही है? वैसे समस्या सर हमारे ये है कि नहीं तो हमारा समय पे पेमेंट होता है, और पेमेंट के लिए बोलते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि तारीख पे, अगली तारीख को आएंगे, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं करता। तारीख तो सनी लेवल वाली होगी, तारीख पे तारीख सनी दयाल अली तारीख आती है, वो कोर्ट के चक्कर काटता, हम नगर पालिका के चक्कर काटते हैं, फिर हम आते हैं तो चेयरमैन साहिबा बोलती है यहाँ पे नहीं, बाड़ा में जाके बात करो। तो शमशान भूमि है वहाँ पे, हम शमशान भूमि में बात किससे करें बताओ? काम नगर पालिका का करते तो नगर पालिका से बात करें ना। ईओ हमारे लिए सही है, ईओ साहब की कोई गलती नहीं है, और अतिक्रमण में हमारे साथ जाते हैं, अतिक्रमण के लिए नटते हैं, तो यह बोलते हैं कि सस्पेंड किया जाएगा, चेयरमैन साहिबा का आदेश है। और लवारिस लाश के लिए हमें लेके जाते हैं, लवारिस लाश बांटते हैं हम सफाई के कर्मचारी है या लवारिस लाश के कर्मचारी है या हम इनके कर्मचारी है अतिक्रमण के, बोलते हैं धक्का पेली करते हैं, जाओ यहाँ पे कोई नहीं आएगा। एसआई साहब डुप्लीकेट फायरमैन एसआई है, उसको फायरमैन पे लगाया जाए, वो एसआई हमें नहीं चाहिए। क्यों, उससे क्या समस्या है? वो काम पे जाता है या बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती पेमेंट लेती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें पेमेंट लेती हो, काम करोगे तो पेमेंट तो लोगे। ये इनके दिक्कत है, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम करते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे। पहले पेमेंट ऊपर वाले ऑफिस वालों को आता है, 10-12 तारीख को हमारा आता है, पेमेंट के लिए हम करते हैं कि उनका पहले कैसे आ गया, तो नगर पालिका वाले अधिकारी बोलते हैं कि पैसे नहीं है नगर पालिका के अंदर, ट्रेचरी में भेजते हैं, ट्रेचरी में जाते हैं, ट्रेचरी वाला बोलता है बिल गलत बन गया तुम्हारा, बिल आएगा जब होएगा, अब आपके पैसे नहीं है ट्रेचरी। तो कभी कभार होता है, हर बार ऐसे ही होता है क्या? हर बार तो नहीं होता, कभी कभार ही होता है, ये 2 महीना सही रहते हैं, फिर ये 3 महीने बाद में यही कंडीशन ले आते हैं। तो सर हम इनसे परेशान है, ऊपर के बाबू लोगों से, इन बाबू लोगों के यहाँ से बदली किया जाए, और ईओ साहब हमारे लिए सही है, तो ईओ साहब का समांतर में हम है, ईओ की अगर बदली करने की सोचेंगे तो हम सब हड़ताल पे वापिस आ जाएंगे, ईओ यही चाहिए हमें, हम ईओ के साथ है। और सफाई का मामला का मायना माना परेशान कर रहा है, क्या मांग हमारी कोई भी कौन जाए, तनखा हमारी रोक रखी है, मांगा तो या बोले पैसे नहीं है नगर पालिका में, पैसे नहीं है नगर पालिका, दो तारीख ना ऊपर कहाँ की तनखा हो जाए, अधिकारियों की कर्मचारियों ने यह बोला कि पैसा को नहीं नगर पालिका में, ये बाबू लोग बदमाशी कर रहा क्या, अरे ऐसा बदमाशी कर रहा क्यों, ऐसा ही बोले कि कोई है ना नगर पालिका के अंदर नहीं आएगा, आपका क्या काम है नगर पालिका के अंदर, नहीं तो ऐसा ही चाहे, अरे यह चेयरमैन ने हमारा सागर दुर्भावना कर रखी है, दुर्भावना कर रखी है, मेला के अंदर काम कराया और मेला में हमारा सागर धक्का पेली कर, कोई सम्मानित नहीं होगा, कौन सा काम करते हो, कहाँ काम करते हो, ये हमारे साथ होता है। और मैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी सुरेंद्र मीणा, देखो आज का जो हमारा ये जो मिनी हड़ताल का उद्देश्य है, ये कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, हमारी बस जनता हमारे डिपार्टमेंट से यही मांग है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहन हैं, मेरी माताएं बहन हैं, उनसे बस अधिकारी जन से हमारा यही उद्देश्य है कि हमें हमारी नियमित तनख्वाह मिलती रहे, क्योंकि हमारा जो वर्ग है बिल्कुल निचला वर्ग है, हम में से अधिकांश सफाई कर्मचारियों ने यहाँ से लोन ले रखा है, अगर हम हमारी
लोन की जो नियमित किस्त है वो समय पर हमारी तनख्वाह भुगतान नहीं हो पाती है, तो हम नियमित नहीं चुका पाते हैं। इसके कारण हमें अधिकांश सफाई कर्मचारियों को उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। बस मेरी अधिकारीगण से यही मांग है, अधिशांसी अधिकारी ईओ साहब से भी यही मांग है, क्योंकि ईओ साहब हमारे कर्मचारियों के साथ हैं, वो दिन प्रतिदिन हमारा सहयोग करते रहते हैं, वो हमें छोटी से छोटी हमारी जो भी मांग होती है उनकी पूर्ति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उनसे यही मांग है कि सर आप प्लीज़ हमारी जो तनख्वाह वो नियमित देने का काम करें। और आज भी जो हमारे सफाई भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सफाई बहन भाई बहनों ने आज अपना नियमित कार्य करने के पश्चात वो यहाँ पर आए हैं, और ना ही हमने कि हमारे जो नगरपालिका गेट है उसको किसी प्रकार का कोई ताला नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा किसी से कोई विरोध तो है ही नहीं, ये हमारा खुद का एक डिपार्टमेंट है और हम इस डिपार्टमेंट के साथ हैं, क्योंकि जो अधिशांसी अधिकारी हैं ईओ साहब हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जितने भी मेरे तमाम भाई बहन सफाई कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ हैं, वो हमारी छोटी से छोटी मांगों की पूर्ति करते हैं। जैसे ये सूचना मिली कि सफाई कर्मचारी नगर पालिका के बाहर इकट्ठे हुए हैं तनख्वाह को लेके, तो पहले तो उस मैटर के बारे में जानकारी ली गई मेरे द्वारा, कब से इनकी बकाया है और क्यों बकाया है अकाउंटेंट साहब से, तो ये चीज़ देखने में आई कि नगर पालिका द्वारा 5 तारीख को जो है पेमेंट ट्रेजरी में ट्रांसफ़र के लिए बैंक के थ्रू हमने जो है प्रेषित कर दिया था लेटर, लेकिन ट्रेजरी ने जो अमाउंट है तनख्वाह वाला वो नगर पालिका के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो वो अमाउंट वहाँ पे शो नहीं हुआ, उस वजह से इनका जो है तनख्वाह होल्ड हो गई। और ये पिछले महीने की ही तनख्वाह है जो आमतौर पर 4-5 तारीख तक आ जाती है, या कभी विशेष परिस्थितियों में 7 या 8 या 9 तारीख हो जाती है, तो इस बार 2-4 दिन लेट हुई है, तो उसके संबंध में इनको हो सकता है कि सफाई कर्मचारी थोड़ा सा मिसगाइड हो गए हों, या उनके पास प्रॉपर सूचना जो है वो नहीं पहुंची हो कि ऑफिस स्टाफ की तनख्वाह आ गई, उनका ये कहना था, लेकिन अभी जो है ना तो मेरी तनख्वाह ही है ना ही ऑफिस स्टाफ की तनख्वाह ही है, ये है कि पीडी अकाउंट में जितना पेमेंट पड़ा था वो हमारा ट्रांसफ़र करने से पहले वो 1-2 लाख रुपए उसमें पड़ा हुआ था, तो वो 1-2 लाख रुपए में जितने कर्मचारी थे, तो हो सकता है उसमें कोई फायरमैन भी हो सकता है, उसमें सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, तो वो रेंडमली जो है ट्रेजरी अपने स्तर से ही वो उनके खाते में भेज देती है, तो उतना ही अमाउंट गया है ना, तो वो हो सकता है कुछ फायरमैन के अकाउंट में चला गया वो पैसा। सफाई कर्मचारियों ने क्या नगर पालिका को ताला लगाया? उनकी ये ताला नहीं, उनका एक रोष था तनख्वाह को लेके, क्योंकि वो भी नगर पालिका परिवार का हिस्सा है। सफाई कर्मचारी की एक मांग ये भी है कि उनके साथ ऐसा ही जो है वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, इस तरह की कोई शिकायत उन्होंने दी नहीं है, आज उनको यही बोला है कि अगर आपको जो भी इश्यू है आपके वो आप लिखित में दें, आपकी जो भी मांग है वो आप लोग बैठ के अपने कर्मचारियों के साथ बैठ के, तो उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको यही बताया है कि आप उनके सफाई कर्मचारियों जो आप हो सकता है वो मेरे समक्ष ना कह सके, लेकिन वो उनके जो भी कोई इश्यू आ रहा है उनकी समस्या है उसको राइट डाउन करके मुझे दें, तो मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज उस पर। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मेले में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसी जानकारी अब आई नहीं है, कई बार चीज़ें होती है अनऑफिशियली बोली जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एक नगर पालिका बहुत बड़ा परिवार है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं। लगाया जा रहा है कि ऑटो टिपर 25 है लेकिन ड्राइवर उस पर 30-35-40 के ऊपर ड्राइवर रखे हैं। नहीं, ड्राइवर ऑटो टिपर नहीं, इसमें जेसीबी भी है अपने पास, ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, ऑटो टिपर भी है, सारे ही वाहन है इसके अंदर, तो वो जो भी चीजें हैं वो फैक्ट हैं, वो फैक्ट अगर लिखित में वो चीजें देंगे तो उस पर करेंगे, बाकी जो भी इश्यूज हैं वो हमारा नगर पालिका का एक इंटरनल मैटर है, और कर्मचारियों में ऐसी चीजें अन्य विभागों में भी होती है, और क्योंकि नगर पालिका में लोड वर्कलोड काफी ज्यादा रहता है और 1000 तरीके के नगर पालिका कार्य करती है, तो इस तरह की चीजें छोटी मोटी चीजें हैं वो बिल्कुल होगी, और उसको हम इंटरनल तरीके से सॉर्ट आउट कर लेंगे।